Hey guys, welcome to Cashify presents Hello Apps. It's a brand new episode और इस एपिसोड में भी हम आपको कुछ ऐसी कमाल की एप्स बताने वाले जो आपके बहुत काम आने वाली है। खास तौर पे अगर आप TikTok क्रिएटर रह चुके हैं, मतलब TikTok क्रिएटर थे बोलने में बड़ा दर्द है, पर क्या करें यार। अगर आप TikTok क्रिएटर थे या फिर TikTok कंज्यूमर थे, आप टाइम पास करते थे TikToks देख के, तो आज का वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको अभी के अभी Cashify के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप चैनल पर नए हैं, ताकि आपको टेक्नोलॉजी रिलेटेड अपडेट्स रेगुलरली मिलती रहे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने TikTok बैन कर दी है, और हम में से बहुत सारे लोग TikTok यूज करते थे, कुछ वीडियोस बनाने के लिए, कुछ वीडियोस देखने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे एप्स के बारे में बताएंगे जो TikTok के बेस्ट ऑल्टरनेटिव एप्स हैं। आप इन पर भी TikTok की तरह वीडियोस बनाकर डाल सकते हो और अपने व्यूअर्स को एंटरटेन कर सकते हो, या फिर खुद भी एंटरटेन हो सकते हो। इन सब वीडियो एप्स का फॉर्मेट भी TikTok की तरह ही है, तो आपको समझने में कोई खास दिक्कत आने नहीं वाली, क्योंकि TikTok की तरह बहुत सारी इंडियन एप्स आ गई हैं जो शॉर्ट फॉर्मेट को केटर करती हैं। तो आज हम उन सभी इंडियन एप्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली ऐप जिसके बारे में आपको जानना चाहिए वो है मित्रों। आप अभी तक इस ऐप के बारे में कहीं ना कहीं तो सुन चुके होंगे, पर शायद आपने ध्यान नहीं दिया, या फिर शायद आप मिस कर गए कि ये ऐप TikTok की ऑल्टरनेटिव ऐप है। अगर आप TikTok जैसा कुछ ढूंढ रहे थे तो आपको एक परफेक्ट ऐप मिल चुकी है, वो है मित्रों। हालांकि इस ऐप को लॉन्च होने के कुछ दिन बाद ही प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया था, पर ये फिर से वापस आ गई है, फिर से लाइव हो गई एक धमाकेदार एंट्री के साथ में। ये ऐप अब काफी पॉपुलर हो चुकी है और इस ऐप के 1 करोड़ से भी ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं, विच मीन्स 1 करोड़ लोग इस ऐप को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं हमारी कंट्री में। हम इस ऐप के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, आपको उस वीडियो को जरूर देखना चाहिए कि आप किस तरीके से इस ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस वीडियो का लिंक ऊपर आपको कार्ड्स में दिख जाएगा। और अब ये ऐप एप्पल स्टोर पे भी अवेलेबल हो गई है, तो अब जितने भी आईफोन यूजर्स हैं वो भी इस ऐप को यूज कर पाएंगे। मतलब एक बार एक्सप्लोर करना तो बनता है यार, हो सकता है आपको ये TikTok से भी बेहतर लगे। अब चलते हैं अपनी अगली ऐप की तरफ, चिंगारी। वेल, मैं ये सोच रहा हूँ इस ऐप का नाम सुनने के बाद में, जैसे यूट्यूबर्स को यूट्यूबर कहते हैं और टिकटॉकर्स को टिकटॉकर कहते हैं, तो चिंगारी बनाने वाले को क्या कहेंगे अगर चिंगारी बहुत पॉपुलर हो जाती है। मतलब आपके लिए सवाल है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने जवाब दे सकते हैं। फिलहाल इस ऐप के बारे में बात करते हैं। चिंगारी एक इंडियन ऐप है और इस ऐप के अंदर आपको बहुत सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी, जैसे कि ट्रेंडिंग न्यूज, वीडियो सॉन्ग्स, विशेस, शायरीज, क्लिप्स और बहुत सारे मीम्स। चिंगारी ऐप का यूजर बेस लगभग 50 लाख का है। इस ऐप की एक खास बात है कि इस ऐप को इंडियन यूजर्स को ध्यान में रखते हुए डिजाइन करा गया है, तो आपके टेस्ट का पूरा पूरा ख्याल रखा गया है यहाँ पे। इस ऐप का डिजाइन काफी यूजर फ्रेंडली है, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि ये ऐप एक बेस्ट फिट है इंडियन यूजर्स के लिए। ये ऐप काफी सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा एक्सेट्रा। इस ऐप में काफी सारे अच्छे फीचर्स हैं जो यूजर का ओवरऑल एक्सपीरियंस इम्प्रूव कर देते हैं, जिससे कि वो अपना कंटेंट इजीली क्रिएट कर पाएं और शेयर कर पाएं। वेल, अब बढ़ते हैं अपनी अगली ऐप की तरफ, रोपोजो। रोपोजो एक ऑल्टरनेटिव ऐप है जिसने पिछले कुछ दिनों में काफी सारे यूजर्स इकट्ठे कर लिए हैं। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल है। रोपोजो अभी तक 6.5 करोड़ बार डाउनलोड हो चुकी है और इस ऐप के अभी लगभग 5 करोड़ यूजर्स हैं। तो मैं आपको यही बोलूंगा यार, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। अगर आप TikTok पे कंटेंट क्रिएट करते थे या फिर आप TikTok के यूजर थे, तो आपको ये ऐप डाउनलोड करनी चाहिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो गूगल प्ले स्टोर से, अगर आप एप्पल आईफोन यूजर हो तो एप्पल ऐप स्टोर से, और बिना वक्त गवाए आपको कंटेंट क्रिएट करना चालू कर देना चाहिए रोपोजो का इस्तेमाल करते हुए। अब चलते हैं अगली ऐप की तरफ, शेयर चैट। शेयर चैट TikTok का एक और ऑल्टरनेटिव ऐप है, और इसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। शेयर चैट एक और इंडियन ऑल्टरनेटिव ऐप है TikTok के लिए। शेयर चैट के फाउंडर्स भी इंडियन है और उन्होंने इस ऐप को इंडियन यूजर्स को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया है। ये ऐप भी आपको गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर दोनों पर मिल जाएगी, तो वेट मत करो और कॉन्टेंट क्रिएट करो, क्योंकि शेयर चैट का रीजनल सोशल नेटवर्किंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस ऐप की मदद से यूजर्स अपने थॉट्स, अपने ओपिनियंस, अपने इमोशंस को ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं, तो वेट क्यों कर रहे हो, डाउनलोड करो। और अब चलते हैं 5वें ऑल्टरनेटिव की तरफ, अगली ऐप की तरफ, बोलो इंडिया। बोलो इंडिया बहुत ही बढ़िया ऑल्टरनेटिव है TikTok का। मतलब ऐप लॉन्च हुई और ऐप लॉन्च होते ही 1 लाख डाउनलोड्स क्रॉस कर लिए इस ऐप ने, पर ये ऐप फिलहाल सिर्फ गूगल प्ले स्टोर पर ही अवेलेबल है, तो एप्पल आईफोन यूजर्स को इसको डाउनलोड करने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। इस ऐप के फाउंडर्स का कहना है कि बोलो इंडिया पर हर एक यूजर तकरीबन 39 मिनट्स स्पेंड करता है। बोलो इंडिया भी TikTok की तरह अपनी एक कम्युनिटी बनाना चाहते हैं, और हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि जितने भी लोग TikTok पे कंटेंट क्रिएट करते थे, आपको बोलो इंडिया पर भी कंटेंट अपना क्रिएट करके डालना चाहिए। आई होप यू लाइक दिस एपिसोड ऑफ हेलो एप्स। अगर पसंद आया है तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू Cashify's YouTube चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।